हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरबी सोनी व्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। दोस्तों ये है हमारा सेकंड डे इन देवघर। तो आज हम लोग जल्दी उठ गए हैं, सुबह के 5:30 बजे ही हम लोग उठ गए थे और हम लोग सब नहा धो के तैयार हो गए हैं। सुबह के 6 बजे तक हम लोग फाइनली सभी कोई तैयार अच्छे से हो चुके हैं, लेकिन पंडित जी ने हमें समय दिया है 7 बजे का और हम लोग फिर निकलेंगे। यहाँ पंडित से बात हो चुकी है घर में कि कहाँ क्या पूजा करना है, किन कहाँ पे क्या करना है, तो वो सब फाइनली हम लोग डिसाइडेड है। तो अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी ही देर में, बस नाश्ता वगैरह घर में बना लिया है और फिर यहाँ से निकलने जाने के बाद फिर हम लोग दोपहर में देखते हैं, अगर जल्दी आना हुआ तो फिर होगा आगे का प्रोग्राम थोड़ा लंबा, और अगर हेलो आज मेरी छोटी बहन का बेटा इमान, इमान जरा ये हेलो हेलो इमान बर्थडे बॉय, ये देखिए ये एक बर्थडे बॉय है, इसका आज बर्थडे है। बाबा धाम, हाय बोलिए, हम लोग बाबा धाम में पूजा करने जाएंगे, सब लोग इसके बर्थडे मनाएंगे। हाय बोलिए, और ये इसका भाई आए। तो दोस्तों आज है 15 मई और आज है युवान का बर्थडे। तो आई होप आप लोग बहुत सारा विश, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे को दीजिएगा ताकि वो होल लाइफ स्वस्थ और आगे बहुत सारी तरक्की करे। एक और बर्थडे बॉय है अमान, ये देखिए ये बर्थडे बॉय है, इनका भी आज जन्मदिन है, ये भी बाबा धाम में मनाएंगे। ये समोसा है, ये युवान की मौसी है, नानी है, सब लोग है यहाँ पे, सब देवघर आए हुए हैं। अब देवघर में सब बाबा डंगरी में पूजा करेंगे, बाबा धाम बैद्यनाथ। अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों आज है अमन का भी बर्थडे, तो युवान और अमन का बर्थडे एक ही दिन पड़ा है 15 मई को। तो हम लोग मिलकर आज यहाँ पे अच्छा सा सेलिब्रेशन करेंगे बाबा धाम में। तो आप लोग भी आइएगा, तैयार सभी को चलने के लिए रेडी है बाबा धाम मंदिर। यहाँ सब कोई सुबह का 7:30 तो पंडित जी ने 7 बजे का टाइम दिया था, बट अभी हम लोग का हो गया है 7:30 और यहाँ माँ अभी पूजा कर ले रही है घर में। अभी ऑटो से जाएंगे, यहाँ से मतलब ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। नाश्ता वगैरह सब बना लिया है, दोपहर में खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग जाएंगे लोकल होंगे तो हम लोग कुछ बाहर ही खा लेंगे, नाश्ता आगे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग्स पे और हमें कमेंट करके बताइए क्या। तो बस हम लोग सब यहाँ एक एक करके निकल रहे हैं कमरे से, अब हम लोग पहुँचेंगे बाबा धाम की ओर। तो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ बाबा नगरी घूमते हैं। चलो दोस्तों, हमारे बाबा धाम का बहुत बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि बाबा धाम में जो आते हैं उनका मनोकामना कभी खाली नहीं जाता। और शादी से पहले दोस्तों हम लोग आए थे अपनी शादी के लिए, वो भी मन चाही शादी के लिए, आप बिलीव नहीं करेगा। मतलब एक मतलब हमारी बहन की, मतलब जितने लोग भी आप यहाँ देख रहे हो ना, सबके पास यहाँ का एक अच्छा गुड एक्सपीरियंस है। तो एक बार आप ज़रूर आइए बाबा धाम और यहाँ पर मांगी हुई हर चीज़, हर मनोकामना भगवान ऐसे देते हैं जैसे कि चमत्कार हो। तो दोस्तों आइए बाबा के इस पवित्र धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ यहाँ दर्शन करिए और घर बैठे आपसे जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, बस एक बार बाबा को बोल के देखिए, फिर आप यहाँ आइएगा। तो आज मतलब मुझसे एक्सपीरियंस है, सभी लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करिएगा।
तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ निकल रहे हैं मंदिर की ओर और आप देखिए हम लोग को मतलब कितना इंजॉय करते हैं आज। दोस्तों यहाँ साल के 12 महीने और महीनों हर दिन के 24 घंटे बस ऐसे ही भीड़ ऐसे ही मेला लगा रहता है, बिलीव नहीं करेंगे। इतने सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पे आते हैं हर दिन हर महीने हर साल। सावन में तो इन भीड़ की और इन लोग मतलब भक्तों की तादाद दो गुनी हो जाती है, दो गुनी क्या मैं तो बोलूँगी चार गुनी हो जाती है। तो आज एकादशी है, आज सोमवार है और आज 15 मई है युवान और अमन का बर्थडे। तो आज बहुत मतलब युवान वाकई में बहुत लकी है जो आज बाबा धाम में यहाँ पर उनका जन्मदिन को मनाया जा रहा है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो सैंडल वगैरह जो पहन कर आया था यहाँ पे रखवा दिया है और वो लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे रख लेते हैं। और आप पूजा वूजा करके आइए फिर आप अपना पे करके लेके जाइए। तो हम लोग सब ने अपना जूता वगैरह जो भी सैंडल था बच्चों का सब यहाँ पे जमा कर दिया है और आगे बढ़कर ना यहाँ पे वॉश मतलब नल है वहाँ से पैर वैर धो कर अंदर मंदिर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर, मंदिर अंदर है और पंडित जी से हमारी सारी बात हो चुकी है, वो हमें अपने वहाँ बुलाए हैं। तो अभी हम लोग वहाँ वहीं से जल वगैरह ले लेंगे और जो भी है कैसे क्या करना है पानी वानी नहीं है। तो ऐसे भी आज भीड़ ज़्यादा नहीं है दोस्तों और हमें बाबा की साईं बाबा की कृपा से हमें दर्शन बहुत अच्छे से मिल सके, बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है बाबा का शीघ्र दर्शन के लिए यहाँ जो कूपन वगैरह मिलती है ना यहाँ इसी एरिया में मिलता है कूपन शीघ्र दर्शन करने के लिए VIP कूपन। और ये है ऊपर से जाने के लिए रास्ता जहाँ पे भक्त लोग जाते हैं लाइन लगा के ऊपर वाले जहाँ पे जाली लगा हुई है ना वहाँ पे से। तो आज तो ये खाली है क्योंकि अभी सावन नहीं है शिवरात्रि नहीं है वह ऐसे ऐसे दिन तो ये खाली मिलने वैसे रही मिलती ही नहीं है खाली मंदिर। तो आज बाबा कृपा से हमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा से दर्शन हमारा हो जाएगा और भगवान करे ऐसा ही हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे मैं चाहती हूँ कि युवान अंदर चला जाए और अंदर जाके बाबा का दर्शन उसे मिले। दोस्तों बाबा नगरी में ये मेरा चौथी बार दर्शन है और चौथी बार इतना अच्छे से दर्शन हुआ है मुझे कि मैं क्या बताऊं कि मैं यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं गई। और मैं उम्मीद करती हूँ बाबा मेरी ये मनोकामना भी अब मैं जो लेकर आई हूँ वो मुझे ज़रूर पूरी करें और मैं फिर आऊँगी 5वीं बार। तो बाबा ने हम सबकी मनोकामना पूरी की और बाबा हमें हर साल ऐसे ही बुलावा भेजते रहे और हमें ऐसे ही अपने पास अपने दर्शन के लिए हर साल बुलाएं। अपना बच्चा को पकड़िए आ जाएगा ना सर।
मोड़ी आ रहे मोड़ी आ रहे दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बाबा का दर्शन करें घर बैठे ही। मैं जहाँ तक जाऊँ जो भी आपको दिखाऊँ आप उसे देखिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और घर बैठे बाबा से आपकी जो भी इच्छा हो जैसी भी इच्छा हो मन चाही जो भी जो आपकी पूरी ना हो रही हो आपको लगता है कि ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है कठिन है तो बस बाबा के पास एक बार बोल के देखिए और फिर आप चमत्कार देखिए। दोस्तों यहाँ पंडित जी हमारे पूजा के लिए यहाँ मैं पास के लिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और सभी लोग तो अंदर नहीं जाएंगे। मैं युवान और भैया और जानवी और दीदी जाएंगे बस और अमन बाद में रुद्राभिषेक करेगा और समीर को मैं नहीं लेके जा रही कि मैं दो बच्चे को मैं नहीं संभाल सकती। तो यहाँ पंडित जी अपना यहाँ पर जो भी पूजा से पहले संकल्प होती है ना तो वो हमें करवा दे रहे हैं हमारा सब कुछ वो मतलब कर दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग को मंदिर में लाइन लग के जाना है। तो दोस्तों हम लोग को पास मिल गया है और हम लोग अभी चले गए हैं मंदिर के अंदर और ये देखिए मैं आपको मंदिर से ऊपर से दर्शन करा रही हूँ जहाँ मैं लाइन में खड़ी हूँ। यहाँ से VIP पास से बहुत जल्दी आपके बाबा का दर्शन हो जाएगा। जल्दी क्या समय तो इसमें भी लगेगा लेकिन आपको उस जो भीड़ है ना उस भीड़ से थोड़ी सी राहत आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये देखिए मैं आपको बाबा का दर्शन करा रही हूँ यहाँ से। तो मुझसे दोस्तों मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि युवान के इतने अच्छे से दर्शन हो जाएगा। फाइनली वो बाबा के शिवलिंग पर माथा टेक के एकदम सटा कर आया है बाबा को छू कर के आया है। इतना छोटा बच्चा मैं तो बहुत डर रही थी कि कैसे होगा लेकिन पंडित जी ने हम लोगों का सब कुछ अच्छे से दर्शन करा दिया बिना किसी परेशानी के तकलीफ के मतलब स्पिरिचुअल मैं मतलब नहीं बोल सकती स्पीचलेस। तो चलिए ये सब बाबा का आशीर्वाद है उनका चमत्कार है कि मेरी जो इच्छा थी घर बैठे वो मेरी पूरी हो गई है कि मेरा बेटा मेरा कम से कम अपने बर्थडे में बाबा का दर्शन करके आए और कम से कम इसका दर्शन तो अच्छे से हो जाए। मेरा तो होता ही रहता है लेकिन मेरा अगर बेटा का हो गया तो वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं। अब दोस्तों मैं वहीं रहूँ वहीं रहूँ। दोस्तों फाइनली हमारा पूजा खत्म हो गया है। देखिए युवान हम लोग की क्या हालत हो गई है अंदर में बाबा के जल ढालने के दौरान हम लोग बाबा के ऊपर जल क्या डाले लोग युवान के सर पे सब गिर गया और तो हम लोग पूजा फाइनली खत्म हो गई है अच्छे से। और दोस्तों हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए हम लोग बहुत अच्छा से पूजा कर लिए मतलब बहुत अच्छा दर्शन हो गया और एक घंटे में मात्र एक घंटे में बाबा के एकदम स्पर्श करके आए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। और अमन अभी जगह जा रहा है तैयार हो रहा है निकलने के लिए बाबा के पूजा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अभी मैं ब्लॉग को देती हूँ यहीं पे एंड मिलती हूँ कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त तब तक के लिए बाय।